नमस्कार, स्वागत है आप कॉल बन न्यूज़ में। मैं आपके साथ आर्यन शर्मा, और चलिए रुक करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर सीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक। श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे प्रयागराज। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को साजिश बताया। साधु संत बोले, षड्यंत्र की परतें खोले पुलिस। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड मामले में आनंद के बाद बेटे समेत हिरासत में लिए गए लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में अब तक 3 लोग गिरफ्तार। शिष्यानंद गिरी पर FIR दर्ज। शिमला के दौरे पर है गांधी परिवार। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, उत्तर प्रदेश में BJP की कैसी सरकार है जो देश के संत महंत की रक्षा करने के लिए समर्थ नहीं। पश्चिम यूपी से चुनावी सभाओं का आगाज करेंगी प्रियंका गांधी। मेरठ में 29 सितंबर को होगी बड़ी जनसभा। कांग्रेस अयोध्या से करेंगी चुनाव अभियान की शुरुआत। 7 अक्टूबर को निकालेगी प्रतिज्ञा यात्रा। चरणजीत सिंह ने पहले ही दिन बुलाई कैबिनेट की बैठक। गरीबों और किसानों के बिजली बिल माफ। LJP नेता विनोद सिंह ने ली JDU की सदस्यता। राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने किया स्वागत। हिमाचल प्रदेश के सभी 67 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। नवंबर 2022 में होने हैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा सचिव से की बातचीत। रक्षा सहयोग और विपक्षी मुद्दों पर चर्चा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,115 मामले आए सामने। बीते दिन में कोरोना से 252 मरीजों की हुई थी मौत। दिव्यांगों को डोर टू डोर वैक्सीन देने पर केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में मांगा जवाब। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के चलते महीनों तक बंद रहने के बाद 21 सितंबर से खुलेंगे प्राथमिक विद्यालय। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में पैंच। बुधवार के दिन होगी सुनवाई। आतंकी मॉड्यूल में आरोपी से पूछताछ के बाद बिहार में RPF ने जारी किया अलर्ट। एजाज अहंगर की रिहाई पर भारत सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। युवाओं को आतंकी बनाने में माहिर है एजाज अहंगर। रांची के JSCA में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की वापसी। 2 साल बाद खेला जाएगा मुकाबला। IPL में KKR की RCB पर आसान जीत। 9 विकेटों से दी करारी शिकस्त। पोर्नोग्राफी केस में राजकुंद्रा को राहत। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर दी जमानत। 24 सितंबर को बाइडेन मोदी की बैठक। पहली बार दोनों नेताओं की मीटिंग। भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पहुंचा बांग्लादेश। कहा, दशकों पुराने समुद्री सीमा विवाद को सुलझाया जाएगा। विदेशी वैक्सीन फाइजर का दावा, 5 से 11 साल के बच्चों पर प्रभावी है हमारी वैक्सीन। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।